नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर बात करेंगे दिल्ली की खबरों की। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर तंज कसा। बीजेपी गरीब वाल्मीकि समाज के लोगों का शोषण कर रही है। बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। बीजेपी पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करने का षड्यंत्र कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसमें ज्यादातर लोग हमारे वाल्मीकि समाज से आते हैं। दूसरी तरफ इस वीडियो से एक चीज और साफ हो जाती है, भाजपा की बहुत गंदी राजनीति। भाजपा के वरिष्ठ नेता के घर के गार्डन की ये वीडियो है और उसके अंदर भाजपा के नेता एमसीडी की यूनियनों के साथ ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली में हड़ताल करके पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया जाए। आप सोचिए कितना गंदा माहौल बनता है जब दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी काम करना बंद कर देते हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लग जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है और कोरोना के समय में कितनी बीमारियां फैलेंगी। साफ साफ षड्यंत्र करते हुए दिख रहे हैं और वाल्मीकि समाज के जो नेता है वो खड़े होके उनको बोल रहे हैं कि आप हमारा इस्तेमाल करना बंद कीजिए, आपने हमारा इस्तेमाल बहुत किया है और आप सही नियत से हमारा साथ दीजिए।